हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आए। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो योगी जी ने, मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, अद्भुत है, अतुलनीय है, एकदम चकाचौंध कर दिया। और अभी आगे आने वाले समय में यहाँ का जो भविष्य है, ये तो अपने आप ही भगवान यहाँ विराजमान है, तो भविष्य का क्या कहें, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ तो आगे बल्ले बल्ले होने वाली है जी। बस हमें लगा था कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो अभी देखकर आते कैसे लगा, बट यहाँ आके हम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। यहाँ जो व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से सारी तैयारियां हैं, ऐसा लग रहा है अयोध्या का रूप ही बदल दिया गया है। और आने वाले समय में लगता है कि अब रामराज फिर से लौटने वाला है। जय सिया राम, अयोध्या बिल्कुल वापस आने वाला है। हम खुश हो गए। यहाँ राम की पैड़ी पे आप आए हैं, यहाँ पे रामायण का पूरा एपिसोड चला, किस तरह का अनुभव रहा? बाकी भी जगह जगह पे अयोध्या को चमकाया जा रहा है। हाँ जी, ये तो बहुत ही अद्भुत था। हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पे भी इस तरीके के शो होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हुआ है ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे छोटे कम टाइम में पूरे रामायण को दिखाया गया है। इतनी अच्छी व्यवस्था है, लाइट है, बच्चे बड़े सबको बहुत ही आनंद लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। योगी जी और मोदी जी दोनों ने ही उत्तर प्रदेश का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। यहाँ पे प्रोग्राम लगा हम लोग का, उससे हम लोग आए यहाँ पे, और यहाँ का हम लोग ने फर्स्ट टाइम ये सीन देखा। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत, ऐसा है कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अयोध्या में और भी सारी जगहों को एकदम चमका दिया गया है। बहुत अच्छा किया है, मतलब बिल्कुल स्वर्ग की तरह बना दिया गया है। और यहाँ पे आपने रामायण देखी, पूरे टेलीकास्ट हुआ, कैसा लगा? बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा है। और अयोध्या में क्या क्या चीजें आपने देखी? मैंने अयोध्या में ये देखा और राम मंदिर देखा। बहुत अच्छा मोदी और योगी ने किया, बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है। मतलब इतनी मजा आ गई है कि लग रहा है कि हाँ कहीं आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।